तो हेलो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CRD वर्सेस TVS के बीच में जो मैच होने वाला है, इसके फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। भाई वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना है। और इस मैच में अभी आप लोगों को गिवअवे के बारे में भी बात कर देंगे और गिवअवे में भी मिलने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना है, पूरा अंत तक देखना है। भाई वीडियो, भाई आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप लोगों को कोई भी दूसरा कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये आपको भाई बोल रहे हैं, और ये भाई का जो पर्सनालिटी है या भाई का जो पर्सनल मैटर है वो आप लोग तो जानते ही हो, जो आप मेरा सब्सक्राइबर हो या कुछ भी जो टेलीग्राम के ज्वाइन हो, तो उन लोगों को तो ठीक से पता होगा कि हम क्या करते हैं, डेली कैसे विन करते हैं। हर एक कंटेस्ट पे डेली 10 कंटेस्ट ज्वाइन करते हैं, तो 10 कंटेस्ट पे कैसे विन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन तो जितना हम लोगों का फ्रेंड है, ओरिजिनल फ्रेंड है, उन लोगों को पता है। और अभी हम बात करेंगे जो CRD वर्सेस TVS का जो बीच में जो लास्ट एक मैच हुआ था, दोनों के बीच में एक मैच भी हुआ था, उनके बीच में जो मैच का जो स्टेटस रहा था उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है आप लोगों को। अगर अपने आप से ग्रैंड लीग तैयार करना चाहते हो तो पूरा वीडियो अंत तक देखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हो तो भी हम टीम देते थे जो कि 100% विनिंग टीम मिल जाता है आप लोगों को। उसी टीम से अगर आप लोग हेड टू हेड, भाई हम लोग का जो मेन जो भाई बात है वो क्या है कि हम हेड टू हेड कॉन्टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, 90% इन्वेस्ट हम लोगों का हेड टू हेड कॉन्टेस्ट पे रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को डेली हर एक कॉन्टेस्ट पे, भाई क्या होता है, अगर हम कोई भी कॉन्टेस्ट पे भाई 40 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया ना कोई भी मैच पे, भाई 38 कॉन्टेस्ट 35 कॉन्टेस्ट तो भाई इजीली क्विन कर जाते हैं, क्योंकि हम 88 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। तो 88 कॉन्टेस्ट हम कोई भी मैच पे भाई इजीली विन कर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो टीम रहता है बहुत रिसर्च के बाद मिल जाता है हम लोगों को हेड टू हेड कॉन्टेस्ट का टीम। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट का टीम हम लोगों को इजीली मिल जाएगा। तो अभी बात करेंगे इन दोनों के स्टेट्स के बारे में, पहले बात करते हैं। भाई वीडियो बड़ा भी हो सकता है, पहले इन दोनों का स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेट्स नहीं बताएंगे, इसी लास्ट इन दोनों के बीच में जो मैच हुआ था उसके बारे में पहले बताएंगे। भाई वीडियो में थोड़ा ऑडियो में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, थोड़ा भाई मैनेज कर लेना यार। तो अभी बात करेंगे दोनों के बीच में जो मैच हुआ था, तो CRD वर्सेस TVS के बीच में जो मैच हुआ था, CRD वर्सेस TVS के बीच में जो मैच हुआ था उस मैच के बारे में बात करेंगे। CRD ने 130 रन का पारी खेला है सिक्सवुड विकेट कैपा के। बॉल ये दिखिए जाइए ATM टा दिए गए, तो 130 रन का पारी खेला सिक्स विकेट कैपा के 10 ओवर में हुई। दूसरे तरफ से TVS का टीम वो 94 रन ही बना पाया सिक्स विकेट इन लोगों ने भी गवा दिया 10 ओवर में, लेकिन वही 94 रन ही बना पाया। ए मदन दा यदि जाइएगा आसिएगा टाकाटा तुल दिली तार पड़े कथा हे। तो इतना ही बस इन दोनों के बीच में जो मैच हुआ था उस मैच में भाई CRD ने विन किया, भाई बढ़िया तरीके से विन किया। इन दो CRD का जो प्लेइंग 11 स्टार्स रहने वाला है लास्ट मैच में रहा था उसका इन्फॉर्मेशन देंगे पहले। तो एलिक एथेनेस ने 65 रन का पारी खेला भाई 29 बॉल पे। उसके बाद लेरिको बाउचा जो कि इस टीम का भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस टॉप क्लास प्लेयर है, इन्होंने भाई एक बॉल पे 0 रन पे आउट हो गया, लेकिन भाई टॉप ऑर्डर पे ऐसे भी ओपनिंग पे बैटिंग करने आते हैं, उसके बाद 2 ओवर का कम्प्लीटली बॉलिंग कराता है। तो इनको भाई ज़रूर ट्राई करके चलना है आप लोगों को, भाई मैं भी कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी ट्राई करके चलने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करके चलना है, बिल्कुल मिस करना मत करना है, क्योंकि मिस करोगे तो आपका 99% आपका लॉस होने के चांसेस है। तो आप लोगों को इतना स्टेट्स क्यों पता है क्योंकि आप लोगों को एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाए एक जाएगा एक ग्रैंड लीग तैयार करने में। और जो स्मॉल लीग का टीम हो तो हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगा आप लोगों को। उसी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कोई भी चेंजेस कोई भी एक 11 प्लेयर में से कोई भी एक प्लेयर या कैप्टन या वाइस कैप्टन कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वही प्लेयर वही कैप्टन वही वाइस कैप्टन को आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। जस्ट इतना ही आप लोगों को बोलने का है। तो लास्ट मैच का इन्फॉर्मेशन पहले बताते हैं,
एलिक एथेने 65 का पारी खेला, उसके बाद लेलिको बाउचा जो कि भाई टॉप क्लास प्लेयर है, ये तो भाई बिल्कुल वन टॉप क्लास प्लेयर है जो कि इस टीम का कैप्टन है एलिक एथेनेस। उसके बाद आने वाला है जैसन अलेक्जेंडर भी टॉप क्लास प्लेयर है, दो ओवर का कम्प्लीटली बॉलिंग कराता है। उसके बाद डैरन नीच 49 का पारी खेला, वो भी टॉप क्लास प्लेयर है, सभी टॉप क्लास प्लेयर रहने वाला है भाई। इनका फुल इन्फॉर्मेशन कोई भी आप लोगों को क्या करना है भाई, इतना भी कुछ भी आप लोग इस इन्फॉर्मेशन से दो चार नॉलेज लेके आप लोग जस्ट क्या करना है, आप लोगों को ग्रैंड लीग तैयार करना है, कोई भी नहीं करना है। और जो स्मॉल लीग का टीम, हेड टू हेड का टीम भाई हम देते हैं, उसी टीम प्रोवाइड करते हैं, उसी टीम से आप लोग 100% विनिंग करोगे, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जो टीम हम लाने पाने के बाद दे देते हैं उसी टीम से भाई, बहुत रिसर्च करके देते हैं, उसी टीम से आप लोग अगर हेड टू हेड खेलोगे तो भाई मंथली करोड़ों लोग कमा सकते हो, इतना ही आप लोगों से बोलना है। कल खेल सकते हो तो खेलो, अगर नहीं खेलना चाहते हो तो नहीं खेलो भाई, ये आपका ऊपर डिपेंडेड है। तो भाई हम स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पे आप लोगों को लिए वीडियो का स्टेट्स के बारे में बात करने के लिए आया, तो पहले स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। डैरन नीट 49 का पारी खेला, उसके बाद जोसेफ ने आके 190 आउट हो गया। उसके बाद जर्वन रैपेल ने 300 का पारी खेला, मिका जोसेफ ने सिर्फ 79 पे आउट हो गए, और जॉर्ज ने इसके बाद आने वाले थे, वो जॉर्ज ने उसके बाद जॉर्ज है उसके बाद एल लोइसी वाई रेगिस ने एंड देन जे मार्सिलिन। इसके बाद इनका जो प्लेइंग 11 आप लोगों को बता दिए, इसके बाद ये इतना ही आप लोग, ये इनका प्लेइंग 11 रहने वाला है। इनका जो बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है वो भी हम बता देंगे अभी। इनका जो बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है, इनका जो बॉलिंग रहने वाला है तो डैरन नीच जो कि 2 डाउन पे बैटिंग करने आता है, प्लस 2 ओवर का कम्प्लीटली बॉलिंग कराता है। जैसन अलेक्जेंडर ने 1 डाउन पे बैटिंग करने आता है और 2 ओवर का कम्प्लीटली बॉलिंग कराता है। उसके बाद मिका जोसेफ ने 1 ओवर में 15 रन देके 1 विकेट ले लिया, कौन कितना विकेट लिया, कितना इकोनॉमी से रन दिया, रन कितना दिया, मेडन ओवर लिया नहीं लिया, आप लोग देख सकते हो, पूरा देख सकते हो। मैं अभी ये स्टार्स आप लोगों को फैन कोड एप्लीकेशन से दिखा रहा हूँ, तो आप लोग अगर चाहते हो तो अपने आप से देख सकते हो फैन कोड एप्लीकेशन। लेकिन भाई हम अभी दिखा रहे हैं क्योंकि देन हम तो हम देन आप लोगों को इतना ही जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं। देन जो फाइनल टीम मिल जाएगा आप लोगों को, उसी टीम से आप लोगों को ज्वाइन करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, उसी टीम से ज्वाइन करना है, उसी कैप्टन से, उसी वाइस कैप्टन से ज्वाइन करना है, इतना ही बस आप लोगों को बोलना। तो ली लुसी ने 2 ओवर करके 14 रन दिया, कोई भी विकेट नहीं मिला। उसके बाद लेलिको बाउचर जो कि बोला आप लोगों को ओपनिंग पे आया भाई, मोर पाप फोन कुछ तारा तो भाई जैसन अलेक्जेंडर ने आके 2 ओवर करने वाला है। उसके बाद मिका जोसेफ ने 1 ओवर ले, जोशी ने 2 ओवर करके विकेट नहीं मिला। लेलिको बाउचर ओपनिंग पे आया, टॉप क्लास प्लेयर है, प्लस 2 विकेट भी लिया उसमें। उसके बाद जैसा मार्सिलिन ने आके 1 ओवर करके 1 विकेट लिया, तो इनका पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को, इनका बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर आप लोगों को। अगर नहीं मिला तो आप लोग जाके वीडियो पीछे करके आप लोगों को देखना है, क्योंकि आप लोगों को पूरा स्टेटस दे दिया जो इनके तरफ से दोनों के तरफ से जो मैच हुआ था उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को। आप लोगों को अभी के लिए क्या करना है, टेलीग्राम से पे भाई अभी बात करेंगे, पहले बात कर लेते। तो भाई आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम चैनल पे इसी टीम का भाई फाइनल टीम मिल जाएगा, उसी टीम से आप लोगों को ज्वाइन करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आप लोगों से इतना ही बोल रहे हैं। जो वो टीम मिलेगा उसी टीम से आप लोगों को ज्वाइन करना है, कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड इसी वीडियो का फर्स्ट कमेंट पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसी टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना। तो इनका TBS का तरफ से भाई TBS ने सेकंड बैट किया था, उसके बाद TBS ने भाई 0 रन का पारी खेला। गिडरन पॉप भाई टॉप क्लास, वर्ल्ड टॉप क्लास नंबर 1 प्लेयर है, ये मेरा कैप्टन रहने वाला है, क्योंकि ये भाई 0 पे आउट हो गया, लेकिन ये भाई टॉप क्लास प्लेयर है, प्लस 2 ओवर का कम्प्लीटली बॉलिंग करने वाला है।
तो गिल्डन पॉप जीरो पे आउट हो गया। उसके बाद शेडन जॉर्ज ने आके 18 रन का पारी खेला। ब्रियन जोसेफ ये भी टॉप क्लास प्लेयर है, 3 बॉल पे 4 रन का पारी खेला, प्लस भाई 2 ओवर का कम्प्लीटली बॉलिंग करता है। केविन जेम्स जो कि इस टीम का कैप्टन है, 38 रन का पारी खेला। एलेक्स एंटोनी ने आके 44 रन का पारी खेला। उसके बाद जैडन जोसेफ ने आके 1 रन पे आउट हो गया। उसके बाद केली केव्स ने आके 0 पे आउट हो गया। उसके बाद आने वाले थे दी एलेक्जेंडर ओ होनोरे के फिलिक्स जे जेम्स। तो इनका जो प्लेइंग इलेवन आप लोगों को बता दिया, इनका जो प्लेइंग इलेवन रहने वाला है, ये इनका प्लेइंग इलेवन रहने वाला है। तो आप लोगों को अभी बात करेंगे भाई, आप लोग हमारा जो टीम रहने वाला है, हमारा जो 98% भाई कंफर्म टीम रहने वाला है, वो अभी हम बताएंगे। इनका बीच में जो मैच होने वाला है, इनमें भाई मेरा जो कंप्लीट टीम भाई 98% कंफर्म टीम रहने वाला है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी कैप्टन जो आप लोगों को वाइस कैप्टन दिख रहा है, प्लस जो कैप्टन दिखाई दे रहा है, ये कैप्टन, ये वाइस कैप्टन, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसी कैप्टन इसी वाइस कैप्टन का आप लोगों को रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो देन आप लोग डेली भाई बहुत सारा मनी अर्न कर सकते हो इसी कैप्टन इसी वाइस कैप्टन को रख के, ऐसे टीम बना के। तो भाई आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसी कैप्टन इसी वाइस कैप्टन प्लस इसी इलेवन प्लेयर को रखना है। प्लस इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे फर्स्ट टीम मिले फाइनल टीम मिलेगा, उसी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है। कोई भी चेंजेस नहीं करना है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए, लव यू ऑल, बाय।